वेलकम साक्षी. ओके, सो आज का टॉपिक बेसिकली क्या है. यू नो, आजकल बहुत टॉपिक्स चल रहे थे अबाउट, आई वॉज लिसनिंग दिस अबाउट वास्तु एंड महावास्तु थिंग्स. सो आई ऑट टू नो दैट पीपल आर नॉट अवेयर. हेलो कृतिका, आई रिसीव्ड योर मैसेज, राइट? दैट लाइव सेशन कब होगा? सी, हेयर आई एम. या सो आई वॉन्टेड टू डिस्कस कि देर इज डिफरेंस बिटवीन वास्तु एंड महावास्तु, एंड पीपल परसीव वास्तु एज वेरी डिफरेंट. एंड जैसे कि एस्ट्रोलॉजी बहुत आउटडेटेड हो चुकी थी एंड इट हैड टू बी यू नो एडवांस्ड एंड रेक्टिफाइड, सेम गोज फॉर वास्तु. I have seen majorly क्या होता है when I am giving out consultations, तो मैं mostly remedies provide करती हूँ which is related to महावास्तु. Yes, Kritika, you can ask questions, but first I'll continue with my topic, and once I'm finished, I'll take your questions which I can answer without my software. ओके, सो basically क्या होता है, लोगों को ये चीज़ की awareness नहीं है, and हम ज़्यादातर being astrologers, टिपिकली मैं आई डोंट फॉलो लाल किताब फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई डोंट गिव आउट लाल किताब रेमेडीज और एनी सॉर्ट ऑफ रेमेडीज जहां पर आपको कुछ जल परवाह करना है या कुछ भी करना है. ऑल रेमेडीज आई बेसिकली प्रोवाइड इज रिलेटेड टू महावास्तु. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू गाइस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वास्तु एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महावास्तु. सो वास्तु है, व्हेन आई एम नॉट अ वास्तु कंसल्टेंट right now, so I am free, I am up for advices and suggestions from you guys. But Mahavastu is something I have practiced, and I am giving out remedies for since I think 1.5 years now, and it works magically. Literally, it works magically. सो नाउ द थिंग इज कि वास्तु होता है मैपिंग से रिलेटेड. इट्स अबाउट कि आपके घर का नक्शा कैसे बनाया जाता है, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द लैंड स्टफ, राइट? ऑब्वियसली महावास्तु इज अ पार्ट ऑफ वास्तु, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट कि हाँ आपकी कहाँ पर वॉशरूम्स होने चाहिए, कहाँ पर बेडरूम्स होने चाहिए, ऑल ऑफ दैट. बट टिपिकली महावास्तु इज अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ अ होम. Like for example, we have what? Four typical directions and four sub-directions, right? South, North, East, West. Then we have Southeast, Southwest, Northeast, Northwest, all of these directions, right? So, Mahavastu ke according, all of these directions are ruled by some planets. Like West direction is ruled by Saturn, and the opposition direction, which is East, that is ruled by Sun. South west is ruled by Rahu, south is ruled by Mars, and for Jupiter it was I think southeast, but I think I am not sure about Jupiter. So aise aise hota hai. North is typically for Mercury, and north, what is this one, northwest, that is moon, right? So in ke basis pe ek color scheme hoti hai. कलर स्कीम इज कि हमें किस हिसाब से अपने कलर्स पुट आउट करने होते हैं अपने डिजाइनिंग में. सो महावास्तु इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग मोर देन इंटीरियर, लाइक इट इज इंटीरियर डेकोरेटर काइंड ऑफ थिंग, नॉट डिजाइनिंग, बिकॉज वो आर्किटेक्चर आ जाता है, राइट? तो महावास्तु में हम रेक्टिफिकेशंस करवाते हैं लोगों की. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा मिथ होता है दैट लोगों को कहा जाता है कि साउथ डायरेक्शन इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, सो साउथ डायरेक्शन का घर नहीं होना चाहिए. जबकि टिपिकली फॉर अस बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, वी सजेस्ट पीपल टू हैव साउथ डायरेक्शन होम्स और साउथ डायरेक्शन वर्क प्लेसेस, एंड हम उनकी साउथ डायरेक्शन सबसे पहले रेक्टिफाई करते हैं. बट नॉट एवरीवन. किसके लिए स्पेसिफिकली? इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, if you are a politician, if you are into manufacturing business, okay? तो इन सब लोगों को हम स्पेसिफिकली सजेस्ट करते हैं टू गो विद द साउथ डायरेक्शन होम्स, बिकॉज लेट मी टेल यू, साउथ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मार्स. द डोमिनेंट कलर्स ओवर देयर इज रेड. ओके, वहां पर रेड कलर्स होने चाहिए. एंड कौन से कलर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए? विच इज ब्लू.
ब्लू शुड नेवर बी बिकॉज ब्लू ऑपोजिशन कलर हो जाता है. सो दिस इज अबाउट महावास्तु. कौन सी चीज कहाँ पड़ी होनी चाहिए, कौन सी पेंटिंग कहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए, दैट इज महावास्तु. एंड दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, एंड नॉट वेरी डिफरेंट बट समवट डिफरेंट फ्रॉम वास्तु. एंड ज्यादातर प्रॉब्लम हमें बीइंग एस्ट्रोलॉजर्स क्या फेस होती है कि एवरी वन फॉलोज अ सेम वास्तु. एंड एवरी वन, सिंस हमारे 9 planets हैं, 9 planets हर किसी के चार्ट में अलग अलग प्लेस्ड हैं. 14 people आर हेयर राइट, एंड 15 I am इंक्लूडिंग राइट. हम 15 लोगों के चार्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्लैनेट्स हैं. सो हाउ कैन सेम थिंग्स वर्क आउट फॉर एवरी वन? Sometimes Saturn is not very placed in somebody's chart, तो हम उनको west की rectifications देते हैं, west direction में. Sometimes relationships are not going well, तो हम southwest को rectify करने के लिए बोलते हैं, which is a direction for Rahu and which is ruled for relationships. उधर कभी plants नहीं होने चाहिए, green dominant colors नहीं होने चाहिए. These are all the changes we take up for Mahavastu. And सबसे बड़ी complication हम astrologers को आती है कि जब हम rectifications कराते हैं तो हम देखते हैं कि नक्शा ही बिगड़ा हुआ है लोगों का, and Vastu is not as per their chart. So that matters a lot. Always consult someone जो आपको आपके chart के basis पे Vastu बताएगा, not like a typical thing. So yeah, that I wanted to clear that there is a difference between Vastu and Mahavastu and what is Mahavastu basically. Okay, so now you guys can shoot your questions if you have any related to this topic or any other topic. But of course, I can't use my software or my charts right now. So you can tell me otherwise. Ah yes, yes Amol, exactly it is. East, what about East, Vikas? I'm good, Mehak. How are you? Okay. I think किसी को कोई question नहीं है. And this session is going to be a short one. Let me tell you that also, because my main motive today was to come here and clear some air about this for Jupiter. Yeah, East for Jupiter. Yeah, I think so. No, East is for Sun, and I think somewhere it's Northeast or Southeast, I just forget. I always take my map along with me so that mujhe memorize na karna pade, because it takes a lot of thing. According to Mahavastu, tell if plot front is more than back is good. Of course the front is good, because see, aaj hi maine kahin suna tha, I don't remember which video it was, but it's about कुछ भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है ना, अगर हमें सपोज हमें कोई इनकम आनी है, कोई काम आना है, वो फ्रंट से आता है राइट. सो फ्रंट बहुत मैटर करता है. एंड यू नो नॉर्थ में ज़्यादातर क्यों कहा जाता है कि नॉर्थ के घर होने चाहिए. नॉर्थ इज एक्चुअली टिपिकली अ डायरेक्शन फॉर अपॉर्चुनिटीज. जिनका नॉर्थ बिगड़ा होता है या नॉर्थ में फायर एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, नॉर्थ इज द डायरेक्शन फॉर मर्करी, मून, एंड अगेन आई फॉरगॉट विच इज द थर्ड वन. सो दैट इज टिपिकली दैट डायरेक्शन राइट. सो उस डायरेक्शन के लिए हमें डोमिनेंट कभी भी वहां पर जैसे किचन एरिया नहीं बोलते हैं, या फिर किचन कुछ भी फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इवन रेड पेंट्स नहीं होने चाहिए. स्पेसिफिकली वी ऑलवेज एंड ऑलवेज टेल, अगर कुछ होता है लाइक रेड पेंट होता है या डोमिनेंट ऑरेंज होता है, तब हम उसकी रेक्टिफिकेशन करवाते हैं, हम उसमें डोमिनेंस ब्लू की डोमिनेंस लेके आते हैं. दैट इज बिकॉज वो जो हमारा एरिया है वो अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है. साउथ ईस्ट हमारा मनी फ्लो से रिलेटेड है, एंड साउथ वेस्ट आई टोल्ड अबाउट रिलेशनशिप्स. सो एंड जो नॉर्थ वेस्ट होता है, दैट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, आइडियाज, ऑल ऑफ दैट. वेस्ट इज रिलेटेड टू लीगैलिटीज, लीगल फैक्टर्स, केसेस. सो ये सारी डायरेक्शंस कहीं ना कहीं हमारे यू नो इफेक्ट करती है. लाइक डू वन थिंग, वी कैन डू वन एक्टिविटी right now, whichever problem you guys are facing, be it be in a relationship, be it be in a career, right?
इफ करियर में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ये जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, चेक दीज डायरेक्शंस ऑफ योर होम. इन डायरेक्शंस में कलर्स क्या हैं, चेक दैट. डोमिनेंट कलर्स तो नहीं है ऑपोजिशन के, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, या फिर वो मेंटेन्ड नहीं है, क्लीन्ड नहीं है, कोई लीकेज है. स्पेसिफिकली साउथ में हम ये भी चेक करवाते हैं कि साउथ डायरेक्शन में कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में कोई प्लम्बिंग इश्यूज नहीं होने चाहिए. तो ये सब चीजें हम लोग चेक करवाते हैं सबसे पहले. साउथ ईस्ट फॉर वीनस आई गेस. I am not sure. I'm really not sure, and I don't have my map available right now. But I'll post it. I'll post one separate picture regarding it. कि कौन सी direction किससे ruled है. Some are on my tips because उसी के हिसाब से हम consult करते हैं. Mostly Venus के लिए कभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. But of course, each and every direction is important. ठीक है. So what activity is that you guys need to सी दैट डायरेक्शन. उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी जो आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा इशू आ रहा है. एंड एक और चीज है, इफ यू गाइज हैव उत्तराज एंड पूर्वाज. आई जस्ट रिसेंटली मेड अ शॉर्ट वीडियो ऑन उत्तराज एंड पूर्वाज, आई विल जस्ट पोस्ट इट राइट आफ्टर दिस. तो क्या है, किसी का भी अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही है एंड उनका वीनस जुपिटर, इफ यू आर अ फीमेल एंड इफ यू आर अ मेल तो वीनस, अगर आपके वो प्लैनेट्स जो उसमें है उत्तराषाढ़ में है पूर्वाषाढ़ में है, देन चेक द प्लैंक्स ऑफ योर बेड. बिकॉज वो दो स्पेसिफिकली नक्षत्रास, इवन उत्तरा फाल्गुनी आई वुड से, उत्तरायण पूर्वा फाल्गुनी, चेक द प्लैंक्स ऑफ योर बेड. चेक योर बेड, वो वॉबली तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कहीं से उसके नट वगैरह नट पेच ढीले हुए हों, बिकॉज दैट विल ऑल्सो इफेक्ट योर रिलेशनशिप्स. साउथ ईस्ट शुड हैव किचन, इट इज फायर एलिमेंट. योर मास्टर बेडरूम शुड बी इन साउथ वेस्ट. बिल्कुल, हमेशा मास्टर बेडरूम या फिर जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उसका बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए. बिकॉज दैट इज द, अच्छा एक और चीज है, इफ योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन उसमें प्लांट्स पड़े हैं या फिर ग्रीन डोमिनेंट कलर है, देन यू विल ऑलवेज सी दैट घर में जो मास्टर्स हैं, लाइक घर में जो सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग है, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस क्रिएट रहती है. या फिर अगर यू आर अ चाइल्ड देन आपके पेरेंट्स के बीच में घर में कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस क्रिएट रहती है. एंड साउथ ईस्ट, यस, इवन टिपिकल साउथ भी हम सजेस्ट कर देते हैं बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मार्स एंड दैट इज ऑल्सो द डायरेक्शन फॉर फेम. सो जिन लोगों को फेम चाहिए होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके लिए साउथ हाउस, साउथ फेसिंग हाउसेस बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, या फिर वहां पर हम रेड डोमिनेंट कलर्स दे देते हैं. ओके हाँ, किचन भी हम साउथ ईस्ट एंड साउथ में रख सकते हैं. इफ साउथ ईस्ट हैज वाटर बॉडीज, ड्रेनेज, वॉशिंग मशीन्स, देन वुमेन ऑफ द हाउस विल हैव हेल्थ इश्यूज. ओके, ये भी मैंने सुना हुआ है, बट लेट मी रिकॉल इफ आई हैव सीन इट प्रैक्टिकली वर्किंग. इट डज एक्चुअली, इट डज. वाटर बॉडीज तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए साउथ डायरेक्शन में, इट इज टोटली ऑपोजिशन. सी, ऑपोजिशन के कलर्स आ जाते हैं, सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ओके, हाय शांक, योर कॉन्सेंट्रेशन कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट रूल्ड बाय राहु केतु, ऑफकोर्स. So that direction shouldn't be damaged or have a cut or broken spaces. Else focus on anything will be difficult. Basically, focus is more of northeast direction. जब focus चाहिए, divinity चाहिए, ideas चाहिए, then we concentrate on northeast. More than even southwest, because southwest is typically about, it's not the foundation, it's about something plus. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इट इज द फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ योर डिविनिटी, फाउंडेशन ऑफ योर आइडियाज. प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस फॉर सेलिंग अ प्रॉपर्टी. ओके रोहन, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस रादर देन कॉम्बिनेशंस, दशाज में देखो इफ 3, 5, 10 इज गेटिंग एक्टिव. आई एम टॉकिंग अबाउट केपी. इफ आप केपी से नहीं देख सकते, सिंपली देखो कि कहीं ना कहीं थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, टेंथ हाउस साथ में एक्टिव हो रहे हैं. दैट कैन बी बाय प्लैनेट्स या फिर बाय यू नो नक्षत्रास. दो प्लैनेट्स हमेशा
सैटर्न इन्वॉल्व होगा, मून इन्वॉल्व होगा एंड मार्स इन्वॉल्व होगा. नाउ व्हाई इज दैट? मून इज द लिक्विड मनी, सो देयर शुड बी गेन ऑफ लिक्विड मनी. मार्स इज द कारका फॉर द फोर्थ हाउस, इट इज द कारका ऑफ प्रॉपर्टीज. सो कुछ भी सेल परचेज होती है, कहीं ना कहीं मार्स और मून का एलिमेंट जरूर रहता है. एंड देन सैटर्न ऑल्सो, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या तो अपनी सेल कर रहे हो या फिर आप उसको ऑफकोर्स रीबाय करोगे, ठीक है. एंड ट्वेल्थ हाउस का भी कहीं ना कहीं होता है, बट इट्स मोर ऑफ द इन द डेप्थ वाला सीन, ठीक है. सो अगर आपको टिपिकली ओवरऑल जज करना है तो 3, 5, 10 देखो कि एक्टिव हो रहा है या नहीं. अरुधा लगना वीडियो पेंडिंग. एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड द कंटेंट, आई एम गोइंग टू शूट इट टुडे. सो मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्लानिंग टू शूट इट टुडे, या तो आज आई अपलोड और टुमारो. ओके. एंड अरुधा लगना भी आई थिंक इट विल कम इन टू पार्ट्स, बिकॉज आई हैव सो मच कंटेंट टू टॉक अबाउट इन अरुधा लगना, बेसिक कंटेंट. सो आई थिंक वो भी 3-4 वीडियोज में बन जाएगा. Okay, so I hope this is clear. What about KP chart? What about it? KP chart of course different hota hai. That's the Bhavachalit chart. Hum KP ke liye Bhavachalit follow karte hain. But acha, ek I recently received a question on YouTube ki koi mujhse pooch raha tha ki Bhavachalit chart hum normally use kar sakte hain. To be extremely honest, I have seen astrologers using Bhavachalit chart, and of course it is accurate क्योंकि उसमें proper degrees से देखा गया है. But I would say कि अगर हम Bhavachalit chart को consider करना शुरू कर देंगे, बहुत confusion हो जाएगी, क्योंकि sometimes कुछ लोगों के planetary placements बिल्कुल ही एक घर पीछे चले जाते हैं. उस केस में हमारे पास दो डिफरेंट चार्ट्स आ जाते हैं एंड अ पर्सन गेट्स कंफ्यूज्ड कि अब प्रिडिक्ट किससे करें. सो आई वुड से केपी के लिए स्टिक टू भावचालित चार्ट, एंड दूसरा पराशर के लिए जस्ट गो फॉर योर नेटल चार्ट. ओके. मेरे रूम में डैम्प ज्यादा है, आई मीन पेंट निकल जाता है. सो यू फर्स्ट नीड टू चेक द डायरेक्शन एंड कौन सी डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि कौन सा फैक्टर बेसिकली इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से. एंड ऑफकोर्स गेट इट करेक्टेड. फॉर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैव अ विलेज पेंटिंग विद ब्लैक फ्रेम इन साउथ वेस्ट बैंड, देन यू हैव टू सी वेयर टू कीप बेस्ड ऑन एक्वायरिंग न्यू रिटेनिंग एग्जिस्टिंग एटसेट्रा. ओके. साउथ वेस्ट में बेसिकली हम ऐसी पेंटिंग्स नहीं रखवाते हैं. होमली पेंटिंग्स रखवाते हैं साउथ वेस्ट में, विच आर रिलेटेड टू फैमिली एंड दैट टू इन स्पेसिफिकली गोल्डन कलर. गोल्डन और अ बिट ऑफ येलो, बट स्टिल वील प्रेफर गोल्डन. वट डज इट मीन्स टू हैव द फायर साइंस ऑक्यूपाइड बाय प्लैनेट इन प्लैनेट्स इन द चार्ट? अगर प्लैनेट्स सबसे ज्यादा फायर साइंस में है, दैट मीन्स अ पर्सन रश इन टू थिंग्स, अ पर्सन इज वेरी 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 पैशनेट अबाउट एवरी थिंग दे डू, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जिस भी चीज में वो इन्वॉल्व होते हैं उस चीज में दे गिव देयर 100%. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग ये होता है, एक फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा है. फायर से ज्यादा ऑल द 3 साइंस विच आर फायर साइंस दैट आर धार्मिक, यू नो, धर्म साइंस, first, fifth and ninth house, that are the dharma houses and that are the trikonas. It's a plus because naturally the person is lucky. बहुत चीजों से a person gets saved, but of course आज के जमाने में अगर बात की जाए, a person is too righteous. So इस चीज के कारण कभी कभार problems में इंसान चला जाता है, conflicts unnecessary create हो जाता है. हास्ता नक्षत्र, आई विल मेक टाइनी वीडियोज ऑन ईच एंड एवरी नक्षत्र. 27 नक्षत्र, सो बिग टास्क. ओके. वट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम टेकिंग? आई बेसिकली टॉक्ड अबाउट महावास्तु टूडे एंड आई एम टेकिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट और इवन जनरली एस्ट्रोलॉजी. गीतिका राहुल अहूजा, your predictions are so correct. Oh, thank you so much. Okay, so I think
it was all, and you people understood. We'll do one more session on Mahavastu. I'll take queries related to it and what you should do. Till then, do follow that activity about which problem you are facing, and then see the direction. Usme koi na koi nooks hoga, you'll get to see it ki haan, what is creating that problem.